स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर 10 क्लास के अंदर हमने 30 चैप्टर स्टार्ट करने का था और उसके 13.3 के ट्यूशन बहुत हमने किए थे। नेक्स्ट आपकी 13.5 स्टार्ट करें, नेक्स्ट ट्यूशन उसके 13.3 के ट्यूशन नहीं करें, क्योंकि न्यू सिलेबस आया है जिसकी कारण अपन कोविड के कारण 40% सिलेबस लेट किया गया, यानी कट किया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो 60% सिलेबस के अंदर है आपके क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम ऑनली इतने ही देरी का है। आपके स्पेयर सिलेंडर कॉन का नहीं तो एरिया फाइंड करना है और नहीं वॉल्यूम फाइंड करना है। किसका एरिया फाइंड करना है? क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया फाइंड करना है और क्यूब और क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपके 13.5 सिलेबस के अंदर है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, नोट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंदर दिए गए मासिक फोर्स मेजर 4 सेंटीमीटर मल्टीपल 2.5 सेंटीमीटर मल्टीपल 1.5 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, यानी 1 मासिक का बॉक्स है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। क्या दे रखी है? लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। लेंथ है आपकी 4 सेंटीमीटर मासिक बॉक्स की और ब्रेथ है उसकी 2.5 सेंटीमीटर और उसकी मासिक बॉक्स की हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। नॉट सॉल्व क्वेश्चन आपको सेल्फ नॉट करना है, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करा रहा हूँ। लेंथ गिवन, गिवन लेंथ ऑफ ए मासिक मासिक बॉक्स इज इक्वल स्मॉल एल से सिंपल करेंगे वो आपको फोर सेंटीमीटर और ब्रश दे दीजिए आपको सेंटीमीटर
जो ये नॉर्थ इंडियन ये आपके आंसर है, नॉर्थ इंडियन वापस तक जा रहा हूँ। एक बार और देखते हैं, जल्दी गिवन है आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और बीच में हमने 30.4 ऐसे जो 30.3 के क्वेश्चन तक किए और उनका हमने लैंड कर दिए क्योंकि उसमें आपके वो सिलेबस के अंदर नहीं है। ओके, जो सिलेबस में उन्हीं पे अपन स्टडी करेंगे, उन्हीं पे फोकस देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंथ से मार्जिन ऑफ की वॉल 10 से आपके 2.5, हाइट है 1.5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ डिवाइड लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट मल्टीपल के तो 50 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मार्जिन बॉक्स का वॉल्यूम है, अपन को 12 मार्जिन बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो 12 मल्टीपल 50 इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड के अंदर दिया गया एक क्यूबिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग एंड लेंथ 6 मीटर 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप है, यानी गहराई यानी हाइट है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन फिट और उसके अंदर कितना टोटल पानी टैंक के अंदर आएगा वो अपन को फाइंड करना है। मैंने आपको ये पहले बताया था कोई भी क्वेश्चन उसके अंदर अपन एक चीज इंक्लूड करते हैं, जैसे टैंक के अंदर पानी डालना और किसी दीवार के अंदर इंटेक नंबर ऑफ फाइंड करना, तो उसमें अपन को क्या फाइंड करना होता है वॉल्यूम, और जब एरिया को फाइंड करना होता है जब अपन किसी चीज की कवर करते हैं या पॉलिश करते हैं तब तो उसमें वो एरिया फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन आपको जब नोट करना है, सॉल्यूशन मेरा है गिवन लेंथ ऑफ ए वाटर टैंक, ए वाटर टैंक एंड जो आपको दे रहे हैं कि 6 मीटर है एंड वाइड ऑफ ए वाटर टैंक बी वो आपको है 5 मीटर एंड डीप यानी हाइट ऑफ ए वाटर टैंक एच वो आपको गिवन है 4.5 मीटर। ओके, अब अपन इसका क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ई वाटर टैंक, अब वाटर टैंक किस शेप के अंदर है आपके, लेंथ ब्रेथ हाइट मिल रही है तो वो किस शेप के अंदर आ रहा है, क्यूबॉइड के शेप में, इसमें क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगेंगे वॉल्यूम का। ओके, क्या होता है एल मल्टीपल बी मल्टीपल एल, तो एल यहाँ कितने 6, 5 और 4.5, अब 6 और 5 का मल्टीपल हो जाएगा 30 को 4.5 का मल्टीपल करा देंगे तो आंसर आ जाएंगे 30 और 15 1 12 13 पॉइंट लग जाएगा 1 डिग्री के अंदर, तो कितना आ जाएगा आपके 135 मीटर क्यूब, या क्या वॉल्यूम। ओके, अब वाटर टैंक के अंदर पानी की कितनी कैपेसिटी है वो अपन को फाइंड करनी है इसके अंदर, तो इसमें देखा है गिवन है आपको ही 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, तो इसको अपन टोटल वाटर इन टैंक कितना आ जाएगा 135 मल्टीपल 1000
इधर 2135000 और डेटा जनरेट करके ले जाएगी आपके डेटा ये आंसर नॉट डीजे कंप्लीट। कंप्लीट नॉट डीजे है नेक्स्ट आपके हैं क्यूबिकल थर्ड। ये क्यूबिकल बिजनेस है जिसके आपको 10 सेंटीमीटर देरी के लॉन्ग है 8 सेंटीमीटर वाइड है। हाउ हाई फाइंड करनी है और उसको हॉल देनी आपको वॉल्यूम गिवन है कितना देने का 380 क्यूबिक मीटर। ओके हाइट फाइंड करनी है। 3 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको लेंथ ब्रेथ और वॉल्यूम गिवन है। क्वेश्चन नंबर लेंथ गिवन लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर वाइड इज इक्वल टू इसको एल से इस्तेमाल करेंगे लेंथ को और इसको बी से सिंबल करेंगे वो आपके 8 मीटर और हाइट फाइंड करनी है। एस फाइंड करना है फाइंड एस और आपको और गिवन के इसके अंदर वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ई इज इक्वल टू 380 मीटर क्यूब। ओके तो वॉल्यूम के फॉर्मूले के अंदर नोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इक्वल टू एल मल्टीपल प्लस मल्टीपल आई। वॉल्यूम आपको गिवन है 380 लेंथ गिवन है 10 और ये आपको साइज 8 और हाइट फाइंड करनी है। ओके तो कितना हो जाएंगे आपके 80 10 मल्टीपल 8 80 और बी में 380 तो एस इक्वल टू 380 अपॉन 80 जीरो से जीरो कैंसिल आप ए की टेबल से इसको डिवाइड करना है जो आपके किसके अंदर आएंगे पॉइंट के अंदर वैल्यू आएगी। तो ये हो रहे आपके टू से डिवाइड हो रहे फोर टाइम ये टू से हो रहे 19 टाइम तो 19 अपॉन 4 या तो इससे नोट कर दो 19 अपॉन 4 और इससे नहीं तो डिवाइड कर दो 19 और 4 टाइम 16 माइनस 3 प्लस पॉइंट 30 और ये आपसे 7 28 माइनस 205 कितना आ जाएगी 4.75 मीटर नॉट डीजे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग एक क्यूबिकल पिट जिसकी लेंथ आपके 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप एट द रेट ऑफ
30 पर मीटर क्यूब। तो इसमें अपन को रेट फाइंड करनी है, 1 मीटर क्यूब की रेट दे रखी है 30 रुपीज। तो टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे और 30 से मल्टीपल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करना आपको। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन लेंथ L इक्वल टू 8 मीटर और रॉड B इक्वल टू आपको दे रही है 6 मीटर, हाइट H इक्वल टू दे रही है आपको 3 मीटर ओके। और इसके अंदर दे रही है रेट दे रही है रेट इक्वल टू रुपीज के अंदर 30 पर मीटर क्यूब ओके। तो इसका अपन को टोटल रेट फाइंड करनी है, टोटल अमाउंट फाइंड करना, फाइंड टोटल अमाउंट ओके। तो वॉल्यूम फाइंड करेंगे, सर्किट के अंदर वॉल्यूम ऑफ एक क्यूबाइड क्यूबाइड स्टेप है तो क्यूबाइड के बाद लगाएंगे एल मल्टीपल बी मल्टीपल एस लेंथ से 8 6 3 कितना होता है कि 8 6 48 48 मल्टीपल 3 8 3 8 24 24 2 carry 3 4 12 12 और 2 carry 14 ओके। कितना आ गया वॉल्यूम आपके 144 मीटर क्यूब। अब अपन को क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 144 मल्टीपल 30 मल्टीपल करा देते 0 3 4 12 फिर 1 कैरी 3 4 12 और 1 कैरी का 30 फिर 1 कैरी 3 1 3 और 1 कैरी का 4। तो कितने रुपीज आ गए आपके 4320 रुपीज, यही आपके आंसर है नॉन कीजिए ओके। और इसी के साथ आपके एक्सेल 13.4 के 1-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे ओके।